रीवा की रहने वाली अंशिका मिश्रा ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 12वीं की परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। बता दें, अंशिका ने ये कारनामा नॉन मेडिकल स्ट्रीम में किया है। आइए जानते हैं अंशिका की सफलता की कहानी। अंशिका ने इस परीक्षा में 500 में से 493 अंक हासिल किए हैं, जिसमें केमिस्ट्री में फुल मार्क्स यानी 100 में से 100 मार्क्स शामिल हैं। मेरे 98.6% है और मेरी मध्य प्रदेश में फर्स्ट है। किस तरीके से तैयारी की आपने? मैंने जो भी मेरे स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जाता था, मैं उसे डेली कंप्लीट करती थी, डेली रिवाइज करती थी और डेली टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करती थी। भारत पिता और स्कूल में छात्रों को कैसा सहयोग रहता था? मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स कामयाबी पर बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। अंशिका की इस उपलब्धि पर न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को उन पर गर्व है। अंशिका के पिता एक किसान हैं और माँ एक हाउसवाइफ, जिन्होंने हमेशा अंशिका को उसके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया। इतनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेहनत तो करनी है, मतलब शुरू से ही बहुत मतलब मेहनत की है सचिन मेरे को पाने के लिए। वो तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई सब अपने से करती थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन वो घर का काम काज में उसका काम कुछ नहीं करवाती थी और उसको जितना हो सकता था कुछ मैं ही खुद उसको उसी को दे देती थी। बोलती थी तुम रहने दो, काम करने की कोशिश भी करती थी तो उसको मैं मना कर देती थी कि तुम मत करो, तो मेरे से ज़्यादा तो वो खुद मेहनत करती थी। अंशिका ने बताया कि उन्होंने अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है, रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी और फुल कंसंट्रेशन से खास तौर पर मैथ्स और साइंस में अपनी समझ को गहरा करने पर जोर दिया। अंशिका IAS अधिकारी बनना चाहती हैं। वो अपनी उपलब्धियों को ना सिर्फ एक मुकाम तक पहुंचाना चाहती हैं, बल्कि आगे भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहती हैं। आगे क्या बनना करना चाह रही हूं? मैं आगे चलकर IAS बनना चाहती हूं। अंशिका की कहानी सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। अंशिका पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। लोकल 18 के लिए सतना से विकास पांडे की रिपोर्ट।